के सुभाष चौक पर कोरोना महामारी से बचाव के लिए। इस बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। आरोपी ने मां भाई समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है। बंथरा थाना क्षेत्र में हुई वारदात से हड़कंप मच गया। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर 5 लोगों की एक साथ हत्या की गई है। मौके पर हत्यारोपी फरार हो चुका है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या की गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। आरोपी ने मां भाई समेत 5 लोगों को मौत के घाट उतारा है। बंथरा थाना क्षेत्र में हुई है वारदात से हड़कंप मच गया है। तो हत्याकांड को अंजाम देकर आरोपी खुद थाने पहुंचा है। एक ही घर में 5 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भरत, यहां पर एक साथ 5 लोगों की हत्या की गई है, क्या वजह रही? देखिए, अभी पुलिस इसकी विवेचना कर रही है कि क्या कारण था जो हत्या हुई है। फिलहाल ये हत्या को अंजाम देके युवक थाने पहुंच गया था, जिसमें इसने हत्या की है, जिसमें इस माता पिता, भैया भाभी और बच्चा शामिल है। फिलहाल पुलिस और भी तलाश जारी कर रही है कि कुछ सूचनाओं के हवाले से खबर मिली है कि 6 लोगों की हत्या है, लेकिन अभी जो फिलहाल बॉडी मिली है वो बरामद हुई है, वो 5 लोगों की बॉडी बरामद हुई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है, विवेचना की जा रही है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है हत्यारोपी पर? खबर ये भी आ रही है कि जो हत्यारोपी है वो खुद ही थाने पहुंचा है। खुद थाने के पहुंचने के बाद थाने में हड़कंप मच गया, जैसे जानकारी हुई आला अधिकारियों को। आला अधिकारी मौके पे गांव पहुंचे हैं। बंथरा के हरौनी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, वहां पे अभी पुलिस विवेचना कर रही है, पूछताछ लोगों से कर रही है कि इसकी मानसिक जो हालत है वो ठीक थी कि नहीं। फिलहाल विवेचना की जानकारी होने के बाद ही, विवेचना करने के बाद ही आगे कुछ कार्रवाई पुलिस कर पाएगी। भरत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आखिरकार इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया? देखिए, जानकारी जिसे प्राप्त हो रही है, लग रहा है कि मानसिक रोगी था ये, दिमागी इसका हालात ठीक नहीं थे, जिस हिसाब से इसने हत्या की है। बाकी पूछताछ पुलिस गांव ग्रामीणों से भी कर रही है। ग्रामीणों से पूछताछ करने के बाद खुलासा होगा कि क्या हत्या का क्या कारण था। फिलहाल अभी जो पुलिस का जो मेन है वो बॉडी को बरामद कर रही है कि कहाँ पे बॉडी क्या ढूंढ रही है, कि कहाँ बॉडी। और मानसिक रोगी है, 5 लोगों की हत्या कर पाना संभव है? एक मानसिक रोगी क्या 5 लोगों की हत्या कर सकता है? बिल्कुल, ये सवाल खड़ा होता है। ग्रामीणों से भी पूछा जाएगा, पुलिस पूछताछ करेगी कि क्या इसके हालात कैसे थे कि ग्रामीण इतनी बड़ी हत्या को ये अंजाम दे रहा है। मानसिक जो रोगी है, पुलिस उससे पूछताछ भी करेगी, लेकिन पुलिस फिलहाल अभी गांव पहुंची है, बॉडियों को शव को अपने कब्जे में ले रही है। जी भरत, क्योंकि इतना संभव नहीं हो सकता है कि एक मानसिक रोगी 5 लोगों की हत्या कर दे, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्या किसी और का हाथ है इसमें? पुलिस जब जांच करेगी, विवेचना करेगी, उसी के आधार पर अपनी आगे कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस की जो अभी तफ्तीश चल रही है, पुलिस छानबीन कर रही है, ग्रामीणों से भी पूछ रही है कि क्यों ये हत्या, क्या इसका दिमागी संतुलन ठीक है कि नहीं है, क्या कोई ऐसी संजीश थी, राजेश थी, इसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। भारत, क्या आपकी किसी पड़ोसी से बात हो पाई है इसको लेकर? क्या कुछ कहना है पड़ोसियों का? फिलहाल अभी ग्रामीण अभी कुछ बात करने से बच रहे हैं, अभी मौजूद है यहाँ पे, पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ अभी आला अधिकारियों से हम लोगों ने संपर्क करना चाहता था, तो उन्होंने साफ कहा कि पूछताछ कर ले, उसके बाद ही कुछ बयान दिया जाए। भरत, क्या कोई संपत्ति का विवाद सामने आया है इसमें, किसी संपत्ति को लेकर हत्या की गई? कहा जा सकता की तो भी नहीं कहा सकता कि सामने आया, लेकिन जो हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई है, पूरे आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचना, भरत, क्या आप किसी आला अधिकारी से बातचीत हो पाई है, क्या कुछ कहना है उनका? आला अधिकारी से अभी बातचीत करने की कोशिश, लेकिन छानबीन रहे हैं, सभी बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो घटना स्थल पहुंच के मुआयना कर रहे हैं, उसके बाद ही वो कुछ बयान देंगे मीडिया को। भरत, क्या जो आरोपी थाने पहुंचा है, उसने क्या कोई जानकारी दी है, कुछ बताया इसके बारे में, उसने हत्या क्यों की?
थाने पहुंचकर अपनी बताई, इन लोगों को मार दिया, पुलिस के हाथ पैर फूल गए। इस घटना की जारी जानकारी जैसे पुलिस को लगी, पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं मौके पर गए, जैसे जैसे ये सूचना पुलिस ने आला अधिकारियों को दी तो तत्काल जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचने की शुरुआत हो गई, आला अधिकारी मौके पर आ रहे हैं। घटना थोड़ी देर पहले की है लेकिन पूछताछ जरूर विवेचना इससे की जाएगी कि इसे घटना को क्यों अंजाम दी जा। जी शुक्रिया भरत सेठी अधिक जानकारी देने के लिए। तो एक साथ पांच लोगों की हत्या की गई है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उसकी मानसिक जो स्थिति थी वो खराब थी, इसको लेकर उसने पांच लोगों की हत्या की गई है। लेकिन एक मानसिक रोगी पांच लोगों की हत्या नहीं कर सकता, इसके पीछे शायद ही किसी का और का हाथ है, किसी की कोई साजिश रची जा रही इसको लेकर, जो एक साथ एक घर में पांच लोगों की हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या की गई है, जिसमें माता पिता और एक भाई, पत्नी और बेटा शामिल है। और जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है तो यहां पर आला अधिकारी फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद में बेटे का हत्या पर आरोप लगा है, बेटे ने संपत्ति के कारण अपने परिवार के लोगों की हत्या की है, तो धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है, एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक हत्या की गई है। के न्यूज आपको जिस तरीके से खबर बता रहा है कि खबर यही आ रही है कि एक साथ पांच लोगों की हत्या की गई है। हत्या किस वजह से की पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, तो आरोपी खुद हत्या करने के बाद थाने पहुंचा है। तो बंथरा थाना क्षेत्र के गुंदोली गांव की घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो मौके पर जो पड़ोसी थे उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। तो संपत्ति विवाद में बेटे पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बेटे ने संपत्ति को लेकर अपने परिवार के पांच लोगों की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। तो इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता रही है, अजय कुमार युवक का नाम बताया जा रहा है जिसने हत्या की है, उसका नाम अजय कुमार बताया जा रहा है। तो लखनऊ में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक हत्या की गई है, जिसमें माता पिता, पत्नी, भाई और बेटी की हत्या की गई है। हत्या किस वजह से की है फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। बंथरा थाना क्षेत्र के गुंदोली गांव की घटना ये आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से जो हमारे संवाददाता ने जो हमें जानकारी दी उनका ये कहना है कि फिलहाल आला अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है और किस वजह से हत्या की है इसकी पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। बता दें आपको जो हत्यारोपी है वो खुद थाने पहुंचा है, उसने खुद पूरी जानकारी दी है कि उसने पांच लोगों की हत्या की है और पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरी जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस मौके पर मौजूद है। और बता दें आपको कि लखनऊ में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। और जिस तरीके से जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो हत्यारोपी है वो मानसिक रोगी है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर कोई मानसिक रोगी पांच लोगों की हत्या आखिरकार कैसे कर सकता है, क्या इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, किसका हाथ है, यहां पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में